हेलो दोस्तों, हाउ आर यू? होप यू आर गुड। देखिए, क्वेश्चन नंबर है आपका 32, एक्सरसाइज 9.3, क्लास 11, बुक है एनसीईआरटी। क्वेश्चन क्लियर है आपको? अरिथमेटिक मीन एंड ज्योमेट्रिक मीन ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और उसके जो रूट्स हैं उनका अरिथमेटिक मीन और ज्योमेट्रिक मीन। तो रूट्स क्या मान लें हम? तो एक काम करते हैं, फिर आपको निकालना क्या है वो भी समझ लें। क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकालना है, क्वेश्चन का सोल्यूशन बड़ा आसान है, साथ साथ बने रहें, देखते रहें। लेट अल्फा एंड बीटा बी द रूट्स। रूट्स क्या मान लें आप? अल्फा एंड बीटा बी द रूट्स। मान लिया कि अल्फा और बीटा क्या है? इसके रूट्स हैं। गिवन क्या है? गिवन है कि उनका अरिथमेटिक मीन एम क्या है? एम ऑफ रूट्स कितना है? 8। और ज्योमेट्रिक मीन क्या है उसका? ज्योमेट्रिक मीन इसका 5 है। अरिथमेटिक मीन हमेशा ज्योमेट्रिक मीन से बड़ा या बराबर होता है, छोटा नहीं हो सकता। एक ऐसा वीडियो भी आप जरूर देखिएगा। एम कितना है? तो एम है आपका अल्फा प्लस बीटा बाय 2 इज इक्वल टू 8। तो ये हो गया आपको अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 16। और ज्योमेट्रिक मीन होगा रूट अल्फा बीटा। तो अल्फा बीटा कितना हो गया दोस्तों? 5 स्क्वायर हो गया। अब आप ये सोच रहे होंगे कि अल्फा और बीटा हमको निकालना पड़ेंगे, तो आपको निकालना नहीं है अल्फा और बीटा। अल्फा और बीटा निकालने की ज़रूरत नहीं है। आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन का स्ट्रक्चर मालूम हो तो निकालने की ज़रूरत नहीं है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है आपको मालूम होगी कि एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स यानी अल्फा प्लस बीटा, इसीलिए मैंने अल्फा बीटा लिया, इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इज इक्वल टू 0। तो हमारे पास दोस्तों वैल्यू है अल्फा प्लस बीटा की, क्या वैल्यू है? 16। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 16 एक्स प्लस अल्फा बीटा की वैल्यू कितनी है? 5 स्क्वायर है। 5 स्क्वायर मीन्स 25। तो ये आ गया आपके पास 25। दिस इज द आंसर, दिस इज द रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये था क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्मेशन ऑन द बेसिस ऑफ क्वेश्चन। दोस्तों निश्चित तौर पे आपको आया होगा, तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलें ताकि ये सॉल्यूशंस आगे तक पहुंच जाएं और आपकी बड़ी ड्यूटी हो जाएगी। ऑल द बेस्ट माय डियर।